गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने हिंदी के क्लास में हमारा चैप्टर पढ़ेंगे समास। समास समास के बारे में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि समास होता है क्या चीज है। समास समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उसको संक्षिप्त करके बताना, संक्षिप्त यानी छोटा करके बताना, यानी इसका छोटा रूप, संक्षिप्त यानी छोटा रूप। जैसे हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द हो जाते हैं, हमने लिखा है नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका। अब हम इतना ना बोल के ओनली हम क्या बोल देते हैं इसकी जगह नील कंठ, ये हमारा क्या हो गया छोटा रूप हो गया, नीला कंठ है जिसका। हमें इतना बोलने की आवश्यकता नहीं होती, हम ओनली क्या बोल देते हैं नीलकंठ। तो किसी भी शब्दों को दो या दो से जो हमारे शब्द होते हैं उनको संक्षिप्त करना यानी छोटा करना हमारा क्या कहलाता है समास कहलाता है। तो समास की डेफिनेशन भी हमारी क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है समास कहलाती है। समास के बाद में हमारा आता है समस पद। अब हमारे पास शब्द थे, जैसे आप लिखते हो पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, हम इसको क्या बना देते हैं पाठशाला, इसको संक्षिप्त करके यानी इसको छोटा करके हम क्या बना देते हैं पाठशाला बना देते हैं। अब पाठशाला है वो हमारा क्या बन जाता है समस्त पद बन जाता है। तो समस्त पद हमारा ये बनने के बाद में हमने क्या है जो हमारे जो अधिक शब्द थे दो या दो से जो भी अधिक शब्द थे उनको हमने छोटा करके उस शब्द को हमने क्या बना दिया समस्त पद बना दिया है। तो समास की परिभाषा क्या हुई, दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करने की बनाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है समास कहलाती है। समस्त पद होता है दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनको हमने संक्षिप्त किया तो हमारा क्या बन गया समस्त पद बन गया। और फिर क्या हो गया हमें समास विग्रह। समास विग्रह में क्या होता है, जो हमारा समास शब्द होता है संक्षिप्त क्या होता है उसको विग्रह करना, विग्रह करना यानी उसको विस्तृत करना बड़ा करना। उसको विस्तृत करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें हमारे कारक चिन्ह होते हैं। अब आपने लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कारक के जो चिन्ह होते हैं कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक, वैसे हम क्या है इसमें हमारे छह भेद लेते हैं, कौन कौन से कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक, ये सारे हम लेते हैं और इन प्रसंग चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम समास का विग्रह भी करते हैं। जैसे आपने लिखा है गंगा जल, अब इस शब्द का हम समास विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे गंगा का जल, गंगा का जल। अब जो ये का शब्द आया है वो हमारा क्या आया है कारक विभक्ति आई है, कौन से कारक की आई है संबंध की, संबंध कारक की विभक्ति हमने लगा के उस जो हमारा जो समस्त पद था उसका हमने विग्रह कर दिया है तो ये हमारा क्या बन गया गंगा जल यानी गंगा का जल। तो हमने समास पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के भेद मुख्यतः हमारे समास के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है अव्यविभाव समास, सबसे पहला हमारा क्या होता है अव्यविभाव समास होता है। उसमें हम क्या है स्वयं अव्यव का ज्ञान करेंगे। अव्यव क्या होते हैं, अव्यव शब्द होते हैं हमारे जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन हम जब किसी शब्द के साथ में लगा देते हैं तो उन अव्यवों का भी अर्थ निकल जाता है। जैसे आपने पढ़ा है आ जीवन, अब जीवन तो हमारा क्या है शब्द है, आ हमारा क्या है अव्यव है।
अगर हम आ लिखते हैं तो इसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हमने इसको आ जीवंत कर दिया है, जीवन के साथ में आ लगा दिया है, तो हमारा जीवन क्या शब्द आ का अर्थ क्या हो जाएगा? जीवन तक। तो हमारा क्या है, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम ये काम करेंगे, यानी आजीवन। आ का हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, यहाँ पे जीवन के साथ में लग गया तो इसका अर्थ क्या बन गया, तक, यानी जब तक हमारा जीवन है। तो सबसे पहले हम क्या है, अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। और आपने जो हमारे समस्त पद थे, समस्त पद के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। पूर्व पद में जैसे आपने ये शब्द हमारा क्या था, पाठशाला था, या जो हमारा गंगा जल था, ये शब्द है, इसमें हमारे दो पद मिले हुए, कौन कौन से, एक तो पाठ और एक शाला, एक गंगा और एक जल। पहला शब्द हमारा क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है, और सेकंड वाला हमारा क्या कहलाता है, उत्तर पद। वैसे ही गंगा जल में हमारा, गंगा हमारा क्या है, पूर्व पद है, और जल हमारा क्या है, उत्तर पद है। क्लियर हो चुका है सबको? तो समस्त पद के दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। पूर्व पद हमारा पहला पद होता है और उत्तर पद हमारा दूसरा पद होता है। जैसे गंगा है, गंगा में हमारा पूर्व पद है, और जल में हमारा ये जल क्या है, उत्तर पद होता है, यानी दूसरा पद होता है। अब आप हमारे समाज के भेदों में हम पढ़ेंगे, किन्हीं किन्हीं में हमारे पूर्व पद की प्रधानता होती है और किसी में हमारे किसकी होती है, उत्तर पद की प्रधानता बताएगी। तो समास में हम सबसे पहले हमारा क्या पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, हमारे अवयवों का प्रयोग होता है, हमारे शब्दों के साथ में अवयव का प्रयोग करते हैं। अवयव का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब हमारे शब्द के साथ में लग जाते हैं तो इनका अर्थ बन जाता है। जैसे आपने लिखा है आजीवन लिखा है, आमरण लिखा है यानी मरने तक, यथाशक्ति। अब शक्ति का तो अर्थ हो गया, शक्ति का अर्थ क्या हो गया, पावर। शक्ति का अर्थ क्या हुआ, पावर। नहीं, यथा का कोई अर्थ नहीं हुआ है, लेकिन जब हमने शक्ति के साथ में यथा लगा दिया है तो यानी शक्ति के अनुसार, तो इसका अर्थ क्या बन गया कि जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, यानी यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। यथा संभव है, या है, जैसे आपका आजीवन है, आमरण है, उसके बाद में जैसे हमारे आता है स्टूडेंट बेखटके। अब जैसे बेखटके शब्द दे रखा है, खटके का तो अर्थ हो गया खटकना, कोई चीज अपने को खटकती रहती है, इरिटेट करती रहती है, इसमें बे का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हमने जब खटके के साथ में लगा दिया तो क्या बन गया, खटके बिना, या बिना खटके। तो बिना खटके यानी जो चीज हमें नहीं खटकती है वो हमारी क्या हो जाती है, बेखटके बन जाती है। तो यथाशक्ति है, या स्टूडेंट आजीवन है, या आमरण है, या है यथा संभव है, ये सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास में आते हैं। इसमें अवयव का प्रयोग होता है, अवयव का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब हमारा किसी शब्द के साथ में लग जाता है तो अवयव का भी अर्थ हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट हम क्या लेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में स्टूडेंट क्या होता है, इसमें हमारा कौन सा पद प्रधान होता है, हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता था, जैसे हमने इसमें लगाया था यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें हमारा यथा है, पूर्व पद है, इसकी प्रधानता बताई गई है कि शक्ति क्या है, हमारी यथा यानी अनुसार,
जैसा हमारा पावर है उसके अनुसार ही हमारी शक्ति है। तो हमारे फर्स्ट पद की प्रधानता होती है, लेकिन तत्पुरुष समास में हमारे क्या है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे आपको शब्द दे रखा है गंगा जल, अब गंगा जल है, हम यहाँ पे गंगा की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, यानी जल है तो उस शब्द का महत्व है। उत्तर पद तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, हमारे किसकी प्रधानता बताई जाती है, उत्तर पद की प्रधानता बताई जाती है। और ये हमारा क्या होता है, गौण, गौण यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है इस शब्द में। गंगा जल, गंगा जल है, हम यहाँ पे गंगा की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास जल है, यानी किसकी प्रधानता बताई गई है यहाँ पे, जल की प्रधानता बताई गई है, ना कि गंगा की प्रधानता बताई। जैसे आपको दे रखा है रसोई घर, हम इसका क्या है समास विग्रह कैसे कहेंगे, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब हमारे यहाँ पे घर की प्रधानता है ना कि रसोई की, किसकी प्रधानता है, घर की, जो कमरा बनाया गया है या जो भी जगह बनाई है या जो भी घर बनाया है वो रसोई के लिए, किसके लिए है, रसोई की। अगर हमारे पास घर का शब्द नहीं होता है तो रसोई का क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन रसोई घर है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, उस स्थान की बात कर रहे हैं, उस घर की बात कर रहे हैं जहाँ हम रसोई बनाते हैं। तो इसमें हमारी क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता बताई गई है तत्पुरुष समास में। अब तत्पुरुष समास में हमारे भेद बताए गए हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, कर्म कारक, कर्म कारक तत्पुरुष समास। अब कर्म कारक तत्पुरुष समास आपने कारक वाले चैप्टर में पढ़ा था, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति आती है, को, कर्ता ने कर्म को विभक्ति आई है हमारी, को विभक्ति आती है। तो हम क्या है इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, को विभक्ति का प्रयोग करके हम उसका समास विग्रह करते हैं। जैसे आपको दे रखा है ग्राम वासी, सॉरी ग्राम गमन, तो हमने क्या किया है, गांव को गमन करने वाला, गमन करने वाला यानी गांव को जाने वाला। अब हमने यहाँ पे प्रसंग चिन्ह क्या लगा दिया, को, ये हमारे विभक्ति चिन्ह किसका है, कर्म कारक का, वन गमन, वन को जाने वाला, जेब कतरा हम इसका क्या है समास विग्रह करेंगे। जैसे तो हमारा क्या होता है, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। अब हमने इस जेब कतरा का समास विग्रह किया है, हमने को विभक्ति चिन्ह लगाया, कौन से कारक का, कर्म कारक का। अब यहाँ पे किसका महत्व है, कतरने वाले का, जेब का कोई महत्व नहीं है, काम कौन कर रहा है, कतरने वाला व्यक्ति कर रहा है। अगर कतरने वाला नहीं होता तो यहाँ पे जेब कतरे की बात ही नहीं होती। तो जेब कतरा है यानी जेब को कतरने वाला। तो कर्म कारक में क्या होता है, हमारे को विभक्ति का प्रयोग होता है जब हम किसी भी समस्त पद का विग्रह करते हैं, और समस्त पद का विग्रह करने के लिए हमें को विभक्ति चिन्ह लगाना पड़ता है। वो तो अलग अलग लगाने पड़ते हैं, जैसे कर्म के अलग लगता है, संप्रदान का के लिए विभक्ति चिन्ह लगता है, या है स्टूडेंट आपको दे रखा है अपादान का दे रखा है उसमें अलग होने का बोध करवाते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड है करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास में हमारा विभक्ति चिन्ह कौन सा आता है, से या द्वारा, कौन सा आता है, से या द्वारा। अब से या द्वारा आता है, ये विभक्ति चिन्ह हमारा किसका हुआ, करण कारक का हुआ है। करण कारक में हम जैसे है हस्त लिखित,
अभी ये हमारा एक शब्द दे रखा है हस्तलिखित, हम इसका ये जो शब्द है संक्षिप्त किया हुआ है, छोटा किया हुआ है, अब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हाथ से लिखित या हाथ से लिखा हुआ। तो यहाँ पे हाथ का कोई महत्व तो नहीं है, लिखने का महत्व तो है कि हमने हस्तलिखित किसको कहा जाता है जो हमारा हाथ से हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखने का महत्व तो बताया गया, हाथ का कोई महत्व तो नहीं होता है। ये पद तो हमारा क्या होता है? गौण होता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? लिखने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हस्तलिखित बोलते हैं। और यानी से, से यानी द्वारा, यानी हाथ के द्वारा लिखा गया। ये से प्रसंग चिन्ह हमारा किसका आया है? करण कारक का शब्द आया है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? हस्त लिखित लिखा है। अब थर्ड है हमारा, इसी के अंदर आता है थर्ड पॉइंट, क्या आता है? संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक में स्टूडेंट क्या होता है? संप्रदान कारक में हमारा विभक्ति चिन्ह आता है क्या? के लिए। संप्रदान कारक में हमारा विभक्ति चिन्ह क्या आता है? के लिए। अब हम इसके लिए जैसे है हमने पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अब यहाँ पे पाठ का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन किसका महत्व तो है? शाला यानी जो घर है उसका महत्व तो बताया गया है। पाठ के लिए जो शाला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पाठशाला बोलते हैं। अब के लिए हमारा क्या है? विभक्ति चिन्ह लग गया। इस समस्त पद को विग्रह करने के लिए यानी इसके टुकड़े करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गई गौशाला, गाय के लिए जो शाला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गौशाला बोलते हैं। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, ये हमारे क्या हो गए? अब हमने यहाँ पे किसका महत्व तो बताया? घर का महत्व तो बताया गया, या रसोई का वैसे नहीं है, रसोई हमारा क्या है? गौण शब्द है। रसोई का महत्व तो किससे हुआ है? घर से। जहाँ जिस स्थान पे हम रसोई बनाते हैं या जिस घर में हम रसोई बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए संप्रदान कारक तक हो चुके हैं। अब उसके बाद में हमारा कौन सा पॉइंट था? संप्रदान के बाद में अपादान कारक का शब्द। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है? हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? से। लेकिन से कौन सा? जिसमें अलग होने का भाव प्रदर्शित होता है। जैसे करण कारक में मैंने आपको से बताया था, लेकिन उसमें क्या है? किसी के द्वारा काम हो रहा था। जैसे हस्तलिखित यानी हाथ के द्वारा काम हो रहा था। अब अपादान में क्या है? से आता है, लेकिन इसमें क्या है? अलग होने का भाव बताया जाता है। अब अलग होने के भाव के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं? जैसे हमने रोग मुक्त, ये हमारा शब्द दे दिया गया। क्या दिया हमने? रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। रोग से मुक्त हो जाना यानी रोग से अलग हो जाना। रोग से हमारा क्या हो जाता है? अलग होना। तो वो हमारा किस में आ गया है? हमारा अपादान कारक में आ गया। मुक्त होना, मुक्त हो जाना यानी अलग हो जाना, मुक्ति, फ्री हो जाना। किससे? रोग से। अब हमने रोग के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं रोग से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। मुक्त होना या युक्त होना, युक्त यानी सहित होना, और मुक्त हो जाना यानी उससे फ्री हो जाना। तो ये मुक्त और युक्त दोनों की का महत्व तो बताया गया है। यहाँ पे रोग की बात हो रही है, लेकिन रोग का यहाँ पे क्या है? रोग तो हमारा क्या हो गया? गौण शब्द हो गया, इसका नहीं महत्व तो बताया गया है। किसका महत्व तो बताया गया है? यहाँ पे हम मुक्त हुए हैं या युक्त हुए हैं, युक्त यानी रहित सहित हुए हैं, या मुक्त हुए यानी रहित हो गए हैं। तो इस यहाँ पे हमने रोग मुक्त शब्द लिया है, तो हमने से प्रसंग चिन्ह लगाया है। से प्रसंग चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? मुक्त होने यानी
वो व्यक्ति रोग मुक्त हो गया है, यानी रोग से अलग हो गया है। बंधन मुक्त, देश निकाला। अब इसने देश निकाला, अब देश निकाला है, देश से निकाला। यहां पे किसका महत्व बताया गया है? निकालने का महत्व बताया गया है कि निकाला है या उसको अंदर लिया गया है। ठीक है, देश निकाला, हमने से प्रसंग चिन्ह किसका लगाया है? अपादान कारक का शब्द लगाया है। निकालने का यहां पे महत्व बताया गया है कि उसको देश से निकाला गया है या देश में रखा गया है। तो देश निकाला यानी देश से अलग हो जाना, वो हमारा क्या हो गया? देश निकाला हो चुका है। तो यहां पे देश से निकालने का अर्थ हुआ देश से अलग हो जाना, यानी अब देश निकाला में हमने ये बताया है इसे देश से अलग हो गया है। अगर हमने यहां पे से होता देशभक्ति, तो देश से भक्ति होती है या देश के लिए भक्ति होती है, यानी देश के लिए भक्ति। तो ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? हमारा संप्रदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए दिया गया है। और देश से निकाला यानी देश से अलग हो जाना, तो वो हमारा किसका हो गया? अपादान कारक का शब्द हो गया है। अब इससे उसके बाद में हमारा क्या आता है? संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में मैंने आपको कारक चिन्ह में क्या बताया था? का के की, ये का के की रा रे री, ये हमारे किसका बोध करवाते हैं? संबंध का बोध करवाते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में, या दो वस्तुओं के बीच में संबंध की बात बताते हैं, उसके लिए हम कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं? का के की रा रे री। अब हमने इन संबंध तत्पुरुष समास में हम जैसे है स्टूडेंट आपको दे रखा है गंगा जल, तो हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या शब्द बनता है? गंगा का जल, गंगा का जल। अब हमने क्या है इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगाया है? का के की। यहाँ पे किसकी प्रधानता बताई गई है? जल की। क्यों? क्योंकि उत्तर पद प्रधान है। किसमें? तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता बताई गई है। ये हमारा क्या है? गौण शब्द है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? उस जल की बात कर रहे हैं जो गंगा का है। तो जल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किसकी प्रधानता है? उत्तर पद की प्रधानता है। और गंगा तो हमारा क्या है? गौण शब्द हो गया। अब इसमें जैसे है राजकुमार, राजा का कुमार, तो हम यहाँ पे राजा की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? कुमार की, यानी उस लड़के की जो राजा का है। तो राजकुमार यानी राजा का कुमार, यानी बच्चे की बात कर रहे हैं। तो इसमें किसकी प्रधानता है? उत्तर पद की प्रधानता है। अब जैसे इसमें बताया गया राष्ट्र हित, यानी राष्ट्र का हित। अब हित है या अहित है, हम किसकी बात कर रहे? हित यानी भला होना, अहित यानी बुरा होना, यानी कुछ गलत होना। तो राष्ट्र का हित है तो इसमें राष्ट्र का ही भला है, राष्ट्र का अहित है
तो वो हमारा क्या है, राज का बुरा है। तो ये हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर पद की बात कर रहे हैं। तो किसकी प्रधानता बताई गई है, उत्तर पद की प्रधानता बताई गई है। तो ये हमारा संबंध कारक का हो गया। उसके बाद में आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण तत्पुरुष समास में हमारा क्या आता है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मे और पर का, मे और पर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मे और पर का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या है, जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार। अब हम इसमें किसकी प्रधानता बताई गई है, उत्तर पद की प्रधानता बताई गई है। क्या वो है उसमें सवार है या नीचे उतर गया है, क्या वो, तो हम यहाँ पे किसके पद की प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है। यहाँ घोड़े का कोई महत्व नहीं बताया गया, यहाँ किसका, सवार होने वाले व्यक्ति की बात करें, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार होना। ये हमारा क्या हो गया, अधिकरण कारक का शब्द हो गया है। अधिकरण कारक शब्द में हमारे क्या है, मे और पर शब्द आते हैं। तो मे और पर के लिए हमने जैसे घुड़सवार बता दिया या अदर एग्जाम्पल हो जाते हैं, तो उसके अनुसार हम क्या है, ये तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें हमारे किसकी प्रधानता बताई गई है, हमारे उत्तर पद की प्रधानता बताई गई है। पूर्व पद हमारा क्या होता है, हमारा गौण होता है। गौण यानी उसका इतना महत्व तो नहीं बताया गया है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर पद की बात कर रहे हैं। और अव्ययीभाव समास में हमारा क्या है, प्रथम पद यानी आपका पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये हमारा सेकंड था तत्पुरुष समास, जिसमें हमने सारे कारक चिन्हों का प्रयोग किया था, जिसमें हमारे मुख्य छह आए थे। छह में हमारा कर्म कारक है, कर्म कारक में हमने का प्रयोग किया था, सॉरी को का प्रयोग किया था। करण कारक में हमने से या द्वारा का किया था। संप्रदान में हमने के लिए लगाया था और अपादान में हमने से यानी अलग होने का भाव बताया गया है। और संबंध में हमने का के की का प्रयोग किया, अधिकरण में हमने मे और पर का प्रयोग किया है। तो इसके द्वारा हमारा तत्पुरुष समास है, जो विभक्ति चिन्हों के द्वारा हमारा पूरा होता है। और विभक्ति चिन्ह हम किस लिए प्रयोग करते हैं, जो हमारा जो समस्त पद होता है उसका हम विग्रह करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। और हमारे इसमें किसकी प्रधानता बताई गई, हमने उत्तर पद की प्रधानता बताते हैं, पूर्व पद हमारा गौण होता है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हमारा क्या होता है, कर्म धार्य समास। कर्मधार्य समास में क्या होता है, इसे कर्मधारी समास है, हमारे दोनों पद में विशेषण और विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं, हम किसका बोध करते हैं, इसमें विशेषण और विशेष्य के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। किसमें, कर्मधारी समास में। जैसे आपको बताया गया है इसमें नीलकंठ, नीलकंठ। अब हम इस शब्द का समास विग्रह कैसे करेंगे, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तो नीला है वो हमने क्या है, हमारा विशेषण शब्द है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको विशेषण के चैप्टर में पढ़ाया था, जितने भी रंगों के नाम होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, विशेषता में आते हैं। रंग है, आकार है, गुण है, दोष है, जितने भी शब्द होते हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जितने भी कलर्स के नेम होते हैं वो सारे किसके होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। और हम नीला किसकी विशेषता बता रहे हैं, कंठ की विशेषता बता रहे हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्लियर हो गया। तो कर्मधारय समास में हम क्या है, विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान के बारे में बात करते हैं। तो नीला है जो कंठ, हमारा यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंठ के बारे में बात कर रहे हैं। और उसकी विशेषता क्या है, वो नीला है। अब जैसे इसमें दे रखा है लंबोदर, लंबा है
जो उधर, लंबा है जो उधर, उधर यानी पेट, लंबा यानी मोटा, जो भी है लंबा। यहाँ हम पेट के बारे में बात करें, अब पेट वैसे लंबा नहीं होता है, पेट क्या होता है, मोटाई से लंबा बताया जाता है, तो लंबा है जो उधर। अब लंबा है ये आकार बताया गया, आकार हमारा किस में आता है, विशेषण में आता है। आकार हमारा किस में आ गया, विशेषण में। हमने लंबा किसकी विशेषता बताई है, उधर की यानी पेट की, तो हमने जिसकी विशेषता बताई है वो हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो हमारा पूर्व पद हमारा इसमें क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। ये हमारा किस में आता है, कर्मधारय समास में आता है। कर्मधारय समास में हम विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हैं, जिसमें पूर्व पद हमारा क्या हो गया, विशेषण, और उत्तर पद हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया है। तो ये हमने आज ये 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हमारा क्या होता है, हमारा पूर्व पद की प्रधानता बताई जाती है, और हमारा उत्तर पद हमारा क्या होता है, गौण होता है। पूर्व पद में हमारा क्या लगता है, अव्यव लगता है। वैसे अव्यव का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अव्यव क्या है, हमारा जब किसी शब्द के साथ में लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार में, अब जैसे है इसमें, उसमें जैसे मैंने बताया आपको, जैसे सह परिवार दिया हुआ है। अब सह का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये परिवार के साथ में लग जाता है यानी, तो हम इसका विग्रह करेंगे यानी परिवार के साथ। तो यहाँ पे हमारा सह का अर्थ क्या हो गया, साथ। सह कुशल यानी कुशलता के साथ में, तो कुशलता है, तो कुशलता के साथ में अगर हमने सह लगा दिया तो साथ हो गया, यानी जो व्यक्ति कुशलता के साथ में है वो सह कुशल है। तो वैसे ही हमारा अलग से अव्यव का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब हम शब्दों के साथ में प्रयोग कर देते हैं अव्यवों का, तो उसकी प्रधानता हो जाती है। इसमें पूर्व पद हमारा अव्यव होता है, और उत्तर पद हमारा क्या होता है, गौण होता है। सेकेंड हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था। तत्पुरुष समास में हमने हमारा क्या होता है, पूर्व पद हमारा गौण होता है, सेकंड हमारा क्या है, उत्तर पद की प्रधानता बताई जाती है। और उसके मैंने आपको 6 भेद बताए हैं, कर्म कारक, करण कारक, ये सारे हैं कारक चिन्ह हैं, जिसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसका समास विग्रह करते हैं। और थर्ड हमारा क्या था, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमारा क्या था, विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, जिसमें पहला पद है हमारा जो हमारा विशेषण होता है, और उत्तर पद हमारा क्या होता है, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। अब हम यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं, इसमें कंठ की विशेषता बता रहे हैं। कंठ की विशेषता क्या है, वह नीला है। तो नीला हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, और कंठ हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। आई थिंक आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।